नमस्कार दोस्तों, आज हम गोभी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। मैंने एक छोटा फूल गोभी का लिया था, अच्छी तरह धोकर मैंने काट लिया है। एक कटोरी मैंने बेसन की ली है, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और चाट मसाला ये छोटा चम्मच। मैं घोल कर आपको बेसन दिखाती हूँ। बेसन हमने घोल लिए, हमें बेसन ऐसा ही चाहिए। अब हम मसाले डालेंगे। मिलाएंगे। हमने मिला लिया अच्छी तरह। कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। बेसन घोलने के लिए मुझे आधा मग पानी का लगा है। बेसन को हमने पतला नहीं करना ज्यादा। गैस को तेज ही रखना है। पकौड़े हमने डाल लिए हैं, गैस को तेजी रखेंगे। पहले आधे हमने कच्चे ही निकाल लेने हैं। हमने पकोड़े निकाल लिए हैं, जब ठंडे हो जाएंगे तो हमने बीच में से काटना है इसे। दोस्तों पकोड़े ठंडे हो चुके हैं, बीच में से ऐसे काटने हैं हमने सब पकोड़े। हमने सारे पकोड़ों को बीच में से काट लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने गैस को तेज ही रखना है। गैस को तेजी रखना है, हमने ऐसे लगातार चलाना है। दोस्तों हमने पकौड़ों को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को बंद करेंगे, सभी पकौड़े निकाल लेंगे, आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। चाट मसाला डालेंगे। अगर आपको मेरे गोभी के पकोड़े अच्छे लगे हों तो आप घर पर बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।